नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ वर्मा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप इस जड़ी बूटी को देख रहे हैं तो जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ आपको बताने के लिए। तो दोस्तों ये जो औषधि देख रहे हो आप, ये कोई मामूली औषधि नहीं है, बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है। तो दोस्तों इसका नाम है दूधी, ये छोटी दूधी है, आप इसको देख लो और पहचान लो। तो दोस्तों ये हमारा भारतवर्ष जो है, ये जड़ी बूटियों का खजाना है, इसको जड़ी बूटियों का खजाना माना जाता है हमारे भारतवर्ष को। दोस्तों हमको नहीं पता रहता है किस जड़ी बूटी को कैसे इस्तेमाल करना है, किस बीमारी को ये जड़ से ख़त्म करता है, तो इसकी वजह से हम लोग इसको इग्नोर करते हैं नॉलेज नहीं होने की वजह से। तो दोस्तों आप इसको देख लो, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे कि वीरवर्धक, ये बहुत ही वीरवर्धक है। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं कि जिनको वीर कम बनता है और वीर कम बनने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनका उनकी फीलिंग ही नहीं होती है किसी चीज़ के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए किसी के साथ उनकी फीलिंग ही नहीं होती है। वीर कम बनेगा तो ऑटोमेटिक ऐसा होता है। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अपने वीर को कैसे बढ़ाना है और वीर की तुष्टि कैसे करना है। तो दोस्तों आप इसको देख लो और पहचान लो। ये हमारे भारतवर्ष में हर राज्यों में पाया जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है ये। तो दोस्तों हमारे पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है ये। दोस्तों ये बहुत आराम से आपको मिल जाएगी, आपके खेत खलिहान में मिल जाएगी, आपके आसपास में मिल जाएगी, और जहाँ पे कंकरीली जगह होती है, पथरीली जगह होती है, जहाँ पे कंकड़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मिलती हैं ये। और बारिश के मौसम में ये उग जाती हैं धीरे धीरे, और आपको गर्मियों के मौसम में भी ये बहुत ज़्यादा तादाद में मिलती हैं। आप दोस्तों दूधी तीन प्रकार की होती है, ये देखो छोटी दूधी है और इसके पत्ते जो होते हैं बहुत बारीक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, देख लो आप ध्यान से इसको। और ये इसका डंठल लाल होता है, देख लो इसका डंठल लाल होता है, और ये छोटी छोटी होती हैं, और ये जो होती है बड़ी दूधी होती है, उसके डंठल वाइट होते हैं, सफ़ेद होते हैं, और उसकी पत्तियां गोल गोल होती हैं, गोल गोल होती हैं छोटी छोटी। और एक होती है उसकी पत्तियां लंबी होती हैं, उसके डंठल हल्का रेड होता है। तो ये तीन प्रकार की होती हैं, लेकिन जो सबसे तीनों का काम होता है औषधियों में, तीनों का काम होता है, औषधि का काम होता है तीनों से। तो दोस्तों ये जो छोटी दूधी होती है, इसका बहुत ज़्यादा औषधियों में, इसका जड़ी बूटियों में हम उपयोग करते हैं इसका। ये देख लो ये छोटे कितने सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं इसके, और ये जो पेड़ होते हैं, ये छोटी दूधी जो होती है ये ज़मीन में चिपक के होती है, ज़मीन में चिपक के होती है। आपको करना क्या है कि आपको ये इसके पेड़ को लेके आना है, अगर आपके आसपास में कहीं मिलती है तो आपको आसपास से लेके आना, मिल जाती है तो आपको लेके आना है, और उसको 100 ग्राम की मात्रा में लेके आना है, आपको 100 ग्राम की मात्रा में उसको लेके आना है, और उसको सुखा देना है, उखाड़ के लेके आओ आप उसको, पहले अच्छे से वाश कर लो, अच्छे से धुल लो उसको, अच्छे से धुलने के बाद आपको उसको सुखा देना है, सुखा देना है। जब वो सूख जाती है तो सुखाने के बाद, जब वो सूख जाती है तो सूखने के बाद उसको बारीक पीस दो, आप मिक्सर में पीस दो या सील बट्टे पे पीसो, बारीक पीस देना है। और अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको पंसारी की दुकान पे बहुत आराम से मिल जाएगी, आप पंसारी की दुकान पे छोटी दूधी लेके आओ वहाँ से, और उसको बारीक पीस के उसका चूर्ण बना लो। उसका चूर्ण बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसके चूर्ण को 3 ग्राम की मात्रा में उसके चूर्ण को लेना है, और 2 चम्मच मिश्री ले लेना है आपको, मिश्री आपको दुकानों से लेके आना है, आराम से आपको दुकानों पे मिल जाएगी, 2 चम्मच मिश्री ले लेना है, इसमें मिला लेना है, और उसी का सेवन करना है आपको सुबह और शाम को। 3 ग्राम इसका चूर्ण ले लेना है और 2 चम्मच मिश्री ले लेना है सुबह और शाम को, दोनों टाइम आपको इसका सेवन करना है। सुबह आप दूध के साथ करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको अगर दूध के साथ में आप इसका सेवन करते हैं तो। और इसका सेवन करते हैं आप तो आपकी काम शक्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों आपको जिस प्रकार से बताया गया उसी प्रकार से आप कुछ दिनों तक इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसे बताया गया आपको उसी प्रकार से इसका सेवन। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का यही मोटिव रहता है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, नमस्कार, जय हिंद।